हेलो गाइस, दिस साइड आकाश माथुर फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर वाइड स्कूल। ये हमारा 11th ट्यूटोरियल है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। इस ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे कि हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करके, प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे, नाम दे देते हैं हम अपने प्रोजेक्ट को। प्रिंट एफ दे दिया मैंने, अपनी फाइल को ले लेते हैं यहाँ से सोर्सेज में जाके। इस हेडर फाइल को हम यहाँ से हटा देंगे, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे इंट लिख दिया, तो सबसे पहले ही हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि हम किस डेटा टाइप पे वर्क करने वाले। तो इंट हमारा डेटा टाइप है। अब इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, और वो जो हमारा वेरिएबल है वो स्टोर करेगा हमारे डेटा को। या तो हम यूज़र से इनपुट, जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन है रन टाइम पे, हम या तो यूज़र से इनपुट लेंगे, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम किस तरीके से इनपुट लेते हैं यूज़र से। अभी हम सीधा इनिशियलाइज़ करेंगे अपनी वैल्यू को अपने वेरिएबल में। तो जो हमारा वेरिएबल एक वेरिएबल है वो एक कंटेनर की तरह वर्क करता है। तो जो हमारा वेरिएबल है, हमारी जितनी भी जो भी हम डेटा अभी इनिशियलाइज़ करेंगे, तो उस डेटा को कंटेन करके रखेगा। और जब भी हम उस डेटा को अपने मतलब इस्तेमाल में लाना चाहेंगे, अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहेंगे, तो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया ए। और हम जो भी हम नेमिंग करते हैं अपने वेरिएबल की, उसे हम पहले ही डिस्कस कर सकते हैं कि अपने पिछली वीडियो में, कि हम किस तरीके से अपने वेरिएबल की नेमिंग कर सकते हैं और हमारे क्या क्या रूल्स हैं। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया एक, जो कि हमारा एक कंटेनर है, एक कंटेनर की तरह वर्क करेगा, और उसमें हम कोई भी डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहीं पर एक वैल्यू इनिशियलाइज़ कर देते हैं। हमने यहाँ पर कर दी 3, सेमी कॉलन टर्मिनेट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा इंट जो है, ये हमारा डेटा टाइप हो गया। इस डेटा टाइप के अंदर हमने एक वेरिएबल बना दिया ए, और इसी की वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दी 3। और 3 जो हमारा डेटा है, जो भी हमारी वैल्यू वो कंटेन हो रही है हमारी ए वेरिएबल में। अगर हमें इस वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट एफ लिखेंगे, जो कि हमारा फंक्शन है। और ये जो हमारा फंक्शन है प्रिंट एफ फंक्शन, ये जो हमारी हेडर फाइल है stdio.h के अंदर, इसकी जितनी भी मतलब जो भी इसकी कोडिंग है अवेलेबल है हमारी stdio.h हेडर फाइल के अंदर। तो हम डबल कोट्स के अंदर जाके अपने स्पेसिफायर को स्पेसिफाई करेंगे, जो हमारा परसेंट डी है। तो ये हमारा स्पेसिफायर है इंट डेटा टाइप को स्पेसिफाई करने के लिए, जिसके थ्रू हम अपनी इंट डेटा टाइप को, जिस भी वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हैं, उस वेरिएबल के अंदर के डेटा को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो उसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो स्पेसिफायर को हम अपने डबल कोट्स के अंदर डिक्लेयर कर देंगे कि हमें इस जो भी हमारा स्पेसिफायर है, तो इस टाइप का जो भी हमारा डेटा टाइप है, तो उस डेटा टाइप का जो भी, तो उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को हम स्पेसिफाई कर देते हैं डबल कोट्स के अंदर, कि हमें इस पर्टिकुलर डेटा टाइप के वेरिएबल को प्रिंट कराना है या वेरिएबल के अंदर के डेटा को प्रिंट कराना है। और कॉमा के बाद हम उस वेरिएबल का नेम दे देंगे जिसे हमें प्रिंट कराना है। यहाँ पे हम टर्मिनेटर लगा देंगे। तो देखिए अब इसे हम रन करते हैं, और देखिए हमारा क्या आउटपुट आता है हमारा। तो देखिए हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, और ये देखिए हमारा 3 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ए जो हमारा वेरिएबल था वो कंटेन कर रहा था 3 को, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू ऊपर ही इनिशियलाइज़ कर दी थी। तो यहाँ पे हमारा 3 प्रिंट हो चुका है। आप यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स भी बना सकते हैं कॉमा से सेपरेट करके। देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे मैंने बना दिया बी, और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दी, जो कि हमारी 5। तो अगर हमें दो वेरिएबल्स को प्रिंट कराना है, तो हमें मल्टीपल स्पेसिफायर्स लगाने पड़ेंगे। जो हमारा बी है, वो भी हमारा जो बी वेरिएबल है, वो भी हमारे इंट डेटा टाइप का। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे दोबारा से परसेंट डी लगाएंगे, क्योंकि हमें दो वेरिएबल्स को प्रिंट करना है। और यहाँ पे कॉमा देके हम यहाँ पे बी लिख देंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल वेरिएबल्स प्रिंट कर रहे हैं इसलिए। अब इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा 3 और 5 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो देखिए अभी ये एक लाइन में प्रिंट हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बैक स्लैश एन के इस्तेमाल करके जो भी हमारा डेटा है, उसे नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बैक स्लैश एन लगा दूँ, तो देखिए यहाँ पे जब मैं इसे दोबारा से रन करूँगा, तो जो सबसे पहला मेरा वो 3, जो पहला वेरिएबल मैंने यहाँ पे दिया था, तो 3 यहाँ पे मेरा प्रिंट हो चुका है पहली लाइन में। और दूसरा जो मेरा वेरिएबल का जो डेटा था, वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल लाइन्स पर अपने डेटा को प्रिंट कर सकता हूँ स्लैश एन का इस्तेमाल करके। अगर मैं चाहूँ तो इनकी वैल्यूज़ को आगे पीछे भी प्रिंट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं बी पहले लिख दूँ और ए बाद में लिख दूँ, तो अब मेरी जो वैल्यू है बी वेरिएबल की पहले प्रिंट होगी, और ए वेरिएबल की बाद में प्रिंट होगी, मतलब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी, क्योंकि जो मैंने स्पेसिफायर दिया अपना परसेंट डी, उससे पहले मैंने यहाँ पे बैक स्लैश एन का इस्तेमाल किया है इसलिए। तो देखिए मेरा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे 5 और 3। तो पहले मैंने यहाँ पे बी को प्रिंट कराया, इसलिए मेरा बी की जो भी वैल्यू है मेरी यहाँ पे 5 वो प्रिंट हो रही है, और नेक्स्ट लाइन में मेरी यहाँ पे 3 वैल्यू प्रिंट हो रही है, जो कि ए की वैल्यू थी।
तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंट डेटा टाइप को प्रिंट कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे अगर मेरे को फ्लोट वैल्यू प्रिंट करानी है तो फ्लोट के अंदर मैं यहाँ पे देखिए 3 और 5, जैसे कि मैंने बताया था आपको अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि फ्लोट डेटा टाइप 6 डेसिमल डिजिट्स तक के वैल्यू को प्रिंट कर सकता है ईजिली। और इसका जो स्पेसिफायर है वो है हमारा परसेंट एफ, तो यहाँ पे मैं परसेंट एफ कर देता हूँ और इसे रन करेंगे। रन करते देखिए यहाँ पे 5.000000, 3.000000, तो इस तरीके से 6 डेसिमल डिजिट्स तक यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। और बल्कि मैंने इनिशियलाइज़ करते वक्त वहाँ पे पॉइंट में वैल्यू दी भी नहीं थी, फिर भी यहाँ पे जो वैल्यू मेरी प्रिंट हो रही है वो 6 डेसिमल डिजिट्स तक प्रिंट हो रही है, क्योंकि हमारा जो फ्लोट डेटा टाइप है वो इसी पर वर्क करता है कि डेसिमल जो भी हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं उन्हीं पर वर्क करता है। अगर आप इनिशियलाइज कर रहे हैं किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में फ्लोट डेटा टाइप के, तो फिर भी अगर आपने उस पर डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू नहीं लिखी है तो वो फिर भी ऑटोमेटिकली 6 जीरोज़ को इनपुट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे करैक्टर की, करैक्टर इसी में हम सेम नेम रहने देते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट कराते हैं। और एक बात हमें यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि जो हमारा करैक्टर डेटा टाइप है वो सिर्फ सिंगल करैक्टर को ही कंटेन करता है एक वेरिएबल में। यहाँ पे हम बी को प्रिंट करा देते हैं, और जो भी हम करैक्टर स्टोर करा रहे हैं अपने वेरिएबल में वो मस्ट है कि उसे सिंगल कोट्स में लिखा जाए। यहाँ पे बी और यहाँ पे ए, और यहाँ पे परसेंट एफ की जगह हमें यहाँ पे परसेंट सी करा, क्योंकि जो परसेंट सी है वो हमारा इस्तेमाल होता है करेक्टर डेटा टाइप को प्रिंट कराने के लिए। अब इसे हम रन करेंगे, ये देखिए यहाँ पे मेरा आउटपुट आ चुका है बी और ए, क्योंकि हमने पहले बी वाली वेरिएबल की जो भी हमारा उसके अंदर डेटा है उसे प्रिंट कराया और उसके बाद ए को प्रिंट कराया। इस तरीके से देखिए हमारे यहाँ पे डेटा प्रिंट हो चुका है। अगर यहाँ पे एक और तरीका होता है हमारे वेरिएबल को, अगर आप एक लाइन में नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं यहाँ पे कि नीचे जाके एक और हम करेक्टर डेटा टाइप बना देंगे यहाँ पे, और नीचे जाके भी हम इस वैल्यू को इस तरीके से दे सकते हैं। और अगर हम इसे दोबारा से रन करें तो हमारा सेम आउटपुट आएगा, ये देखिए हमारा सेम आउटपुट आ रहा है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने हैं सेम डेटा टाइप के, तो हम बार बार करेक्टर डेटा टाइप को क्यों डिफाइन करें, बार बार करेक्टर डेटा टाइप को क्यों डिक्लेयर करें, या किसी भी डेटा टाइप को क्यों डिक्लेयर करें? क्योंकि अगर हमें सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स बनाने हैं इसलिए हम कॉमा से सेपरेट करके एक ही लाइन में हम जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं उन्हें डिफाइन कर देते हैं सेम डेटा टाइप के। सो गाइज, इस तरीके से आप डिफरेंट जो भी हमारे डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल प्रिंटिंग भी करना चाहें तो देखिए इस तरीके से बिना स्पेसिफायर्स की हेल्प से आप यहाँ पे नॉर्मल प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर वाइड स्कूल, तो सिंपल प्रिंटिंग भी हम कर सकते हैं अगर हमें किसी भी स्पेसिफायर्स को स्पेसिफाई नहीं करना, तो यहाँ पे हमारी सिंपल प्रिंटिंग हो जाती है इस तरीके से, ये देखिए। सो गाइज, इसी तरीके से आप अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स के अंदर जो भी आपका डेटा है उन्हें प्रिंट करा सकते हैं। सो ये वीडियो हमारी यहीं पे ओवर होती है, अब हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को हिट करें, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक बटन को हिट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो गाइज, अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो देन, बाय गाइज़।